अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदिल भाज़ई को खराज अकीदत पेश करने के लिए अब यकीनन पूरे पाकिस्तान से तमाम ही तहरीक इंसाफ के लीडरान जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के साथ उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई, यानी इत्तला तो ये हैं कि आदिल भाज़ई को शुरू में 25 करोड़ रुपए ऑफ़र की गई, फिर 50 करोड़ दिया जाने लगा था, फिर 80 करोड़, फिर 1 अरब, फिर 1 अरब 2 करोड़, फिर उन्हें 1.5 अरब दिया गया और फिर 2 अरब, फिर 3 अरब तक बात पहुंची। लेकिन इसने इमरान खान से वफा निभाई और इमरान खान से वफा निभाते हुए इसने अपने प्लाजे वगैरह भी तोड़वाए। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोयटा से रुकने असम्बली आदिल खान भाज़ई ने हर चीज़ बर्बाद होने के बाद भी इमरान खान का साथ ना छोड़ा। बताया जा रहा है कि इन प्लाजों का NOC भी मौजूद था, अदालती ऑर्डर्स भी यानी स्टे ऑर्डर्स भी मौजूद थे, लेकिन आईनी तरमीम के लिए इनके हर कारोबार को बर्बाद कर दिया गया। ये फिर भी डटे रहे और आज कौम भी इन्हें सलाम पेश करती है, और इसके साथ साथ इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए लोग बेताब दिखाई देते हैं और इनके साथ मुलाकातें भी इस वक्त जारी हैं। हर एक इनके नाम को सुनकर ही खराज तहसीन पेश करता है और सलाम अकीदत इन्हें पेश करता है। तो आदिल भाज़ई साहब की आज की इस वीडियो के हवाले से आप आरा ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए।